लेकिन अब भारत में तो फार्मासिस्ट की कोई वैल्यू नहीं समझी जाती, उसको तो लगता है कि खाली वो इंजेक्शन लगाने के लिए उसको वो वार्ड बॉय या समथिंग। तो एक महर्षि होते थे सुश्रुत, जिन्होंने ऑपरेशन के लिए जिन्होंने खोज की थी, मैं कहूँगा। और मैं लाया और मैंने उस पेशेंट को दिया, तो मैं आपको यकीन मानिए उस आदमी ने कम से कम 5-7 मिनट बैठ के नमाज पढ़ी मेरे मेडिकल स्टोर पे। और वो सीधे हम पे आएगा, हमारी दुकानों पे आएगा और वायरस वहाँ छोड़ के जाएगा। जो एक्सपायर हो रही है तो हमको कंपनी को टाइम से वापस कर दें। कि जो भी मेडिसिन परचेज की जाती थी जब कंप्यूटर नहीं थे, तो वो पुरानी मेडिसिन बाहर रखी जाती थी और नई वाली पीछे परचेज पीछे लगाई जाती थी। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का JJN न्यूज़ में, और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उमेश। और मैं दीपांशु कुंवर। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे हैं, कार्यक्रम का उद्देश्य है, नाम है चाहे पे तो आओ ना। तो कुछ बातें, कुछ खट्टी मीठी बातें और कुछ वार्ता चाय के साथ साथ आज होने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं हल्द्वानी इकाई के और प्रदेश इकाई के भी केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्य, और इन लोगों के हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दीपांशु, क्योंकि खाने मतलब भूख लगने से लेके पेट साफ करने तक कि अगर किसी की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो होती है दवाई, और सर दर्द से लेकर कैंसर तक अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो है दवाई, और उस चीज़ को मुहैया कराते हैं, उस चीज़ की ज़रूरत लोगों की पूरी कराती है केमिस्ट एसोसिएशन। केमिस्ट के जो दुकानदार हैं, केमिस्ट की जो दुकानें चलाते हैं, जो उनको लेकर आते हैं देश के कोने कोने से, शहर की उन छोटी छोटी जगहों पे जहां पर लोगों को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिल्कुल, और हमने देखा होगा कि बड़े बड़े अस्पताल हैं, और बड़े बड़े अस्पताल भी अगर चल पाते हैं तो केवल मेडिकल स्टोर की बदौलत। अगर अस्पताल 12-1 बजे तक खुले रहते हैं तो दावे के साथ हम कह सकते हैं कि मेडिकल भी उनके साथ ही साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। बिल्कुल, और आप वो सैनिक हैं जो देश के लिए रात भर जगते हैं, लोगों के लिए रात भर जगते हैं, और एक अहम हिस्सा है हमारी सोसाइटी का। सो वेरी वेरी वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज की इस चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को कि हमारे बीच आज कौन से ज़रूरी लोग बैठे हैं। हमारे बीच में हैं नरेंद्र साहनी जी, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और वर्तमान में सलाहकार हैं, और हमारे बीच में मौजूद हैं प्रेम मदान जी, जो जिला अध्यक्ष हैं, नीरज कांडपाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला महामंत्री हैं, संजय जैन जी, जिला संगठन मंत्री, सुशील मोंगिया जी जिला उपाध्यक्ष हैं, और हिमांशु वार्ष्णेय जी हैं, सदस्य हैं ये, और हमारे बीच में संजय त्यागी जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, चंद्रमोहन पंत जी हैं, ये भी सदस्य हैं, संदीप जोशी जी हैं, सचिव हैं, और अमित मिश्रा जी जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं, और हमारे बीच में है संजय सक्सेना जी, जो नगर उपाध्यक्ष हैं। तो सर, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले यही आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, जो कि आप लोग वो ज़रिया हैं जो हम लोगों के लिए कभी कभी रात रात भर भी जागते हैं, और हमारे बीच में अभी बहुत ही लेटेस्ट सिनारियो जो गुजरा है कोरोना का, तो उसमें आप लोगों ने मतलब एक ऐसा रोल अदा करा है अपना, मतलब सब चीज़ों से लड़ते हुए और सब चीज़ों को सहते हुए, सबकी दवाइयों की और कई चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करा है, चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइज़र हो और किसी भी तरह की दवाई हो। तो सबसे पहले मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो सलाहकार हैं, हमारे सबसे सीनियर हैं सर, आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह की चुनौतियों का इसमें आपने सामना करा था। कोरोना टाइम में हमारे सभी दवा व्यापारी, मतलब एक तो ये था कि दवा की छूट मिली थी क्योंकि वो ज़रूरी वस्तु में आता है, और सभी दवा व्यापारियों ने सब रिस्क लेके अपनी अपनी दुकानें खोली, और जबकि कोई बाहर नहीं निकलता था लेकिन दवा का व्यापारी अपनी सप्लाई के लिए मतलब बाहर निकलता था। दवा जो आना मुश्किल था, कोरियर से बाहर से मंगाना, और अपनी सारे जितने भी हमारे मरीज थे उनके लिए ज़रूरी दवाओं का प्रबंध करना, और यहाँ तक कि दवाओं के अलावा भी हमारे जितने भी मेडिकल के हमारे सदस्य थे उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। हमारे भी एक सदस्य वाष्णेय जी थे, उन्होंने ब्लड ब्लड की व्यवस्था करी, प्लाज्मा ब्लड की, और बहुत मेहनत करी, और गरीबों में उन्होंने राशन वगैरह भी बांटा। ऐसा नहीं है कि खाली दवाई, और हमारे प्रदेश स्तर तक
सभी संस्थाओं ने कुछ ना कुछ अपने द्वारा दवाओं वितरित की, जहाँ जिनको जरूरत थी दवाएं दी। 91 डेज मैं और मेरे बेटे ने लगातार, मतलब जब बिल्कुल बंद रहता था, कोई भी नहीं, केवल पुलिस विभाग सड़कों पे होता था, हर चौराहे पे हमने 91 दिन तक चाय घर से बना के, 4 तरीके की चाय थी, और खुद केतलियों में लेके तिकोनिया चौराहे से लेके आपके ऊंचा पुल तक, गांधी स्कूल तक, जितने भी चौराहे पे, जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले या दूसरे सीपीओ वाले जो लोग मौजूद होते थे, उनको 4-5 चायदानी लाते थे। और सुबह से लेकर रात को अगर 10 बजे भी कोई फ़ोन करता था कि मार्केट पूरी बंद है, हमें चाय की जो आवश्यकता है, तो हम दोनों चाय पहुंचाते रहे। चाय के साथ बिना नाश्ते के कोई भी चीज़ हमने नहीं दी। हमने कभी मट्ठी, कभी बिस्कुट, कभी आपके केक की पेटियां, मतलब ये इस तरीके से दोनों बाप बेटे ने स्कूटर में बैठे, अपना पेटी एक हमने ली, उसमें 4 चायदानी रखी और वितरित की है। जन औषधि केंद्र बहुत सारे खुले और सबके अपने अपने मत उस पर आए, तो आप भी केमिस्ट हैं, तो जो आपके लिए मेरा सवाल है कि कैसे देखते हैं जन औषधि केंद्रों को? जितने भी जन औषधि केंद्र हैं, प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है कि गरीब लोगों को दवाइयां सस्ते रेट पे मुहैया कराई जाए, और उसके लिए अलग से लाइसेंस जारी किए गए हैं, और उन दवाइयों पे MRP बहुत कम रखी गई है, और उसमें मार्जिन का जो गैप है सिर्फ 10% का मार्जिन रखा गया है डिस्ट्रीब्यूटर और क्या कहते हैं रिटेलर के बीच में भी, और वो दवाइयाँ आम आदमी को मुहैया कराया जा सके, तो उसके लिए बहुत सारी दुकानें हर शॉप में खोली जा रही हैं, और हर उसमें स्टेट में एक नोडल अधिकारी बनाया गया है, और इससे लोगों को बहुत सुविधा भी मिली है। लेकिन क्या है, अभी उसमें पूरी तरह के साल्ट या पूरी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वो कुछ सीमित फैक्ट्रियाँ या व्यवस्था है जिसके द्वारा दवाइयाँ दी जाती हैं, और हर तरह का साल्ट उसमें हम नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से दिक्कत है। लेकिन जैसे जैसे ये समस्या का समाधान होगा, तो गरीबों को दवाइयाँ मुहैया कराई जाएंगी, और सारे केमिस्ट भाई भी हमारे जितने भी हैं, अगर अदर्स भी होता है तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो गरीब आदमी है, चाहे हमारी केमिस्ट एसोसिएशन भी है, कि उसके लिए दवाइयाँ हम मुहैया करा जाएँ, और अगर हम कुछ अपनी तरफ से छूट दे सकते हैं, केमिस्ट एसोसिएशन भी कर सकती है, तो उसमें सदा हम ध्यान देते हैं। थैंक यू। भारत में जो ज़्यादातर लोग हैं वो पावर्टी लाइन के आसपास हैं, और जो ये प्रधानमंत्री जी ने जो ये स्कीम स्टार्ट की है, ये उन्हीं लोगों के लिए की गई है बेसिकली, कि उन लोगों को ड्रग्स बहुत कम रेट पे और आसानी से मिलें। तो उसके लिए हमारी एसोसिएशन ने भी प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है, उस पर उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो और जेनरिक ड्रग्स हैं हमारे पास, उसके रेट्स भी उन्हीं के बराबर ले आएँ, उनके मार्जिन भी उन्हीं के इक्वल ले आएँ, ताकि जो हम लोग भी अपनी दुकानों से बेच रहे हैं, क्योंकि वो ड्रग्स हम अपनी दुकानों से बेच नहीं सकते, क्योंकि वो प्रधानमंत्री औषधि केंद्र से ही बिकती है ना, उनका डीएल बनता है अलग, हमारा अलग बनता है। तो जो हमारे पास ड्रग्स हैं, तो जो हमारा जो मेंबर है वो भी इस चीज़ में सामने आ सके, लोगों की हेल्प करने के लिए, तो उसके लिए हमारी एसोसिएशन AIOCD उन्होंने पत्र लिख करके ऑलरेडी कहा हुआ है कि हमारे मार्जिन जो हैं उनको भी उसी के हिसाब से सीमित बना दिया जाए, ताकि हम भी इस काम में देश के काम आ सके। जैसे भी बात चली जन औषधि के ऊपर चल रही है, तो उसमें मेरा ये कहना है कि जो जन औषधि जो है, जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी बड़ी योजना है, उसमें उनकी BPI की मेडिसिन जो लेसन को इशू हुए हैं, जितने भी जन औषधि को, उनमें सिर्फ BPI की मेडिसिन ही बिके, जिससे कि गरीब आदमी को उसका फ़ायदा मिले। लेकिन हो क्या रहा है कि वो लाइसेंस जो पहले चरण में उनको इशू किए गए थे, वो नॉर्मल कंडीशन के किए गए थे। फिर हमारी जो UAVM की हमारी उत्तरांचल औषधि व्यवसाय संघ है, उन्होंने उसमें ऑब्जेक्शन क्रिएट किया, हमने अपने प्रदेश के जो है अधिकारियों से इसमें संपर्क किया, बातचीत की, तो उसमें भी अब जिसके आज जो लाइसेंस हो, जो उसमें लिखे उनके उसमें आ रहा है कि BPI ओनली फॉर करके, तो उससे क्या कि जो जन औषधि की जो मेडिसिन है, वो उसके जो काउंटर थे, वो BPI की मेडिसिन कम रख के अदर मेडिसिन, अदर OTC आइटम उसमें ज़्यादा काउंसल्ट करने लग गए थे, तो जिससे कि उस जो गरीब आदमी को उस लेवल का फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो अभी हम उसी में ये कह रहे हैं कि उनको जो है वो BPI की मेडिसिन ज़्यादा रखें, जिससे कि गरीब आदमी को वो चीज़ें मिल पाए। तो जन औषधि केंद्र में ये कहना चाह रहा था कि वही दवाई आप लोग मेडिकल स्टोर में बेच रहे हैं, और वही लोग, लेकिन बहुत से भ्रम अभी भी लोगों के बीच में है कि डॉक्टर जो हमें, छोटी सी बात लेता हूँ मैं, BP की दवाई है या शुगर की जो नॉर्मली रोज़ लेनी पड़ती है दवाई,
वही आप लोग केमिस्ट बेच रहे हैं और वही जन औषधि केंद्र में, लेकिन लोगों में अभी ये भ्रम है या भ्रांतियाँ हैं कि जो जन औषधि केंद्र की दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, भले हमें याली जो महंगी दवाइयाँ हैं ये इफेक्ट है, क्योंकि बहुत सी ऐसा है कि जो 150 रुपये का पत्ता है और वहाँ पर 25 रुपये का पत्ता है, तो ये भ्रांतियाँ क्या सही हैं कि जन औषधि केंद्र की दवाइयाँ जो है कम इफेक्टिव है? आपने अभी कहा कि प्राइस का अंतर है, एक 100 रुपये की एक 25 रुपये की है। देखिए होता क्या है ना कि कोई भी ड्रग जब बनती है तो उसमें पहले सालों तक सर्च होती है कि उसके फ़ायदे क्या हैं और इंसानों के ऊपर उनके ट्रायल्स होते हैं, तब जा करके ड्रग अप्रूवल होता है। तो उसमें कई सारे साइंटिस्ट टीम्स जो सालों तक उन्होंने मेहनत की उसके बाद वो बन के आती है, ठीक है। तो उसमें अगर आप कीमत के हिसाब से कहेंगे तो उतने सालों का उन साइंटिस्टों का जो पूरी टीम है उसका एक्सपेंडिचर भी ऐड होता है, हर चीज़ होता है। अब जो BPPI से ड्रग्स आ रही हैं वो तो क्या है ना कि जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी बन के आ चुका, पास हो चुका, उन्होंने तैयार किया और भेज दिया, तो उनका वो जो सारा एक्सपेंडिचर है वो तो उन्होंने किया ही नहीं। उनके पास तो सॉल्ट था और पूरे उसका साइंटिफिक एवोल्यूशन था, तो उन्होंने उसको बनाया, दे दिया, तो अंतर आएगा ही आएगा। अब जहाँ तक क्वालिटी वाली बात है तो देखिए प्रधानमंत्री औषधि केंद्र की जो ड्रग्स आती हैं उनकी क्वालिटी के लिए मैं नहीं कहूँगा कि वो लो स्टैंडर्ड हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित फैक्ट्रीज में ही बन के लोगों में एक वो रहता है ना कि महंगी दवाई ज़्यादा इफेक्ट करती है, वो तो साइकोलॉजिकल की बात, साइकोलॉजिकल बातें हैं वो, क्योंकि हमको भी लगता है ना कि अगर मैंने महंगी जीन्स लिया तो अच्छी है और कम MRP की लिए या 300 रुपये की लिए तो उसमें क्वालिटी अंतर रहता है, और वैसे होता नहीं है क्योंकि देखिए मॉलिक्यूल होना चाहिए सेम। तो ये रही जनौषधि की बात, थोड़ा सा आगे आता हूँ, और हो सकता है कि छोटी छोटी भ्रांतियाँ भी हों, छोटी छोटी चीज़ें हों, लेकिन जो एक सवाल मेरे मन में है और मैं चाहता हूँ कि आप चर्चा पे आए हैं तो क्यों ना आज दिल के जितने जो है सवाल हैं आप लोग के बीच में रखे जाएँ। हाँ, हो सकता है कि इस सवाल का कोई महत्व ना हो इसमें जो मैं पूछने वाला हूँ, और हो सकता है कि यह बहुत बड़ा महत्व भी रखता हो। तो अस्पताल में डॉक्टर्स दवाई लिखते हैं और अक्सर अखबारों पे देखते हैं या किसी चीज़ पे देखते हैं तो वो अंदर की दवाई ना लेके बाहर की दवाइयाँ लिख देते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर की और जो मेडिकल वालों की बाहर वो थोड़ा सेटिंग्स है कि वो उसी के दुकान की दवा लिखता है और इस तरह का है, तो ऐसा कुछ है क्या? जो सेटिंग वाला है ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन होता क्या है, तो ब्रांडेड इज ब्रांडेड। जैसे आप किसी ठेले में खड़े हैं और किसी 5-स्टार में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होते हैं, क्वालिटी मेंटेन तो होती है। तो इसलिए अगर डॉक्टर को लगता है, क्योंकि उसके लिए जो है उसका पेशेंट सर्वप्रिय है, तो उसको लगता है इसको मैंने बेस्ट मेडिसिन देनी है, बेस्ट क्वालिटी की देनी है, अच्छी कंपनी की देनी है, ब्रांडेड कंपनी की देनी है, मल्टीनेशनल कंपनी की देनी है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। क्योंकि सवाल अगर कल को उसको ट्रीटमेंट में कहीं उसको थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुई तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो है डॉक्टर्स, तो वो अपने थोड़े से फायदे के लिए तो डॉक्टर पेशेंट की जान नहीं लगाएगा, वो तो उसको बेहतर क्वालिटी देने के लिए वो जो उसको बेटर लगेगा वो उसको लिखेगा। उसमें अब वो किस कंपनी की लिखता है, किसकी लिखता है, ये उसके ऊपर सेल्फ उसका वह है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि वो सेटिंग का मामला है। तो उसमें अगर सेटिंग का होता तो इतने सारे केमिस्ट है, सभी के पास पर्चा रोटेट नहीं होता हो, तो ये थोड़ी सी भ्रांतियाँ हैं। सर ऐसा नहीं होता, आपने कई बार देखा होगा कि कभी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी और उसके बाद क्या होता है कि उसको फ़र्क नहीं होता है, तो फिर वो अगर दोबारा डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जो उसको जिस मेडिसिन पे भरोसा होता है, जो वो 10 साल से 20 साल से जिस कंपनी की मेडिसिन चला रहा है, जो ब्रांड चला रहा है, तो डॉक्टर फिर उसी को प्रिस्क्राइब करता है जिससे उसे रिजल्ट मिले, तो इसलिए उसमें सेटिंग वाली कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर का जो भरोसा होता है जिस प्रोडक्ट पर वो उसको प्रिस्क्राइब करता है। कंपनी है ग्लैक्सो मान लीजिए, उसने एक प्रोडक्ट तैयार किया अपना, मॉलिक्यूल लाए, ठीक। अब जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं ग्लैक्सो के, वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बताया कि हमारा ये नया मॉलिक्यूल आया है और बॉडी में इसका ये रिएक्शन है, मॉलिक्यूलर या टेक्निकल जो भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि बॉडी में कैसे रिएक्ट होगा, फ़ायदा क्या होगा, ड्रॉबैक्स क्या होंगे, तो उसके हिसाब से भी डॉक्टर लिखता है। और होता क्या है कि ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की मैं बात करूँ, तो उनके पास मेडिसन इन हाउस नहीं होती हैं, या होती भी हैं तो वो कैल्शियम या ये विटामिन या आयरन कॉमन ड्रग्स जो होती हैं, तो उनका ज़्यादा नीड नहीं होती आदमी को उस टाइम जब उसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है। तो इसलिए भी ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि डॉक्टर पर्टिकुलर दुकान पे ही भेज रहा है, क्योंकि वो हॉस्पिटल के अंदर है ही नहीं, तो वो क्या होगा, डॉक्टर को बाहर ही भेजना पड़ेगा ना। तो ये उस पेशेंट के लिए, अब देखिए ये भ्रांतियाँ तो कई ऐसे मार्केटिंग
फंडे भी होते हैं जो एक दूसरे को काटने के लिए लोग बोल देते हैं, लेकिन ऐसा मेरे को नहीं लगता या हम लोगों को नहीं लगता कि ऐसा होता। भारत सरकार ने एक डॉक्टरों के लिए आदेश निकाला है कि आप कोई भी दवा लिखेंगे ब्रांड के नाम से ना लिखे, साल्ट के नाम से लिखेंगे। तो वो इसलिए निकाला है कि साल्ट के नाम से अगर आपको दिया जाता है तो आप बाज़ार में जाएंगे, भैया मुझे पैरासीटामोल चाहिए, अभी आपको कम भैया जो सस्ती है वो दे दे, तो दुकानदार जो हमारा केमिस्ट भाई है वो आपको दिखा देगा चार कंपनी की, हर कंपनी की एमआरपी अलग अलग होती है। जैसे आपने जींस ली ले लेगी तो अलग है, और अगर आपने बाजार से सिंपल ले ली तो 300 रुपए की है। तो ऐसा ये डॉक्टर का ऐसा वो नहीं होता, डॉक्टर जैसे 10 साल से कोई दवा इस्तेमाल कर रहा है उसकी बात बिल्कुल सही है, वो दवा तो आदमी उसे मेरे विश्वास है वो दे देता है, वरना जेनिक नाम जो है ऑलरेडी क्या है जो उसमें साल्ट है उसके नाम से डॉक्टर लिखता है, अब वो उतनी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं होती है तो मजबूरी में फिर वो क्या होता है बाहर उस चीज़ को आगे बढ़ाता है। एक अगर एक दवाई की जैसे पैरासीटामोल आपने बोला तो एक कंपनी की आपको कम से कम 10 कंपनी की रखनी है, तो आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि उसमें मुझे पता है कि फाइनेंशियल भी बहुत बड़ा उसमें प्रेशर रहता है और आपको ये चीज़ भी देखनी है कि यार एक्सपायरी ना हो जाए या गलत दवाई ना चले जाए, और उसको निकालना भी है, स्टॉक भी मेंटेन करना है, कई चीज़ है, तो ये एक चुनौती है, और इसको आप किस तरह से मेंटेन करते हैं? हमें जो है एक्सपायरी को अपनी दुकान पर देखना पड़ता है टाइम टू टाइम कि कोई दवाई जो है जो एक्सपायर हो रही है तो हमको कंपनी को टाइम से वापस कर दें, क्योंकि इसमें दिक्कत ये आती है कि कॉस्टली आइटम होते हैं तो वो आपको जो है कंपनी से ज़रूरी नहीं है कि पूरा क्लेम मिले। आपने यहाँ से एक्सपायरी भेजी तो आपने 10,000 की भेजी, वहाँ से 7,000 की होके आएगी, तो वो 3-4,000 रुपये का लॉस वैसे आपको होना ही होना है। वो हाँ, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा ना, ये जो आपने कहा ना एक्सपायरी के संबंध में, इसमें पहले तो अब तो कसा ज़्यादातर जो है कंप्यूटराइज सिस्टम लगभग सभी केमिस्ट के पास हो गया है, लेकिन पहले क्या होता था, एक सिस्टम था कि जो भी मेडिसिन परचेज की जाती थी जब कंप्यूटर नहीं थे तो पुरानी मेडिसिन बाहर रखी जाती थी और नई वाली पीछे लगाई जाती थी, वो उस समय और हफ्ते में एक रैक एक टू एक करके रैक साफ करी जाती थी, जो शॉर्ट एक्सपायरी होती थी वो बाहर काउंटर में रख दी जाती थी कि पहले उसको पुश कर दे या फिर रिटर्न कर दे। तो अब जब से सब जगह सिस्टम लग गया है तो वो क्या जिस समय बिलिंग करता है रिटेलर हमारा, तो उस समय कहीं ना कहीं उसके सिस्टम में उसको दिख जाती है कि इसकी एक्सपायरी क्या है, तो अगर उसको दिखता है कि इसका एक्सपायरी फला है तो वो निकाल कर अलग हटा देता है और अपने होलसेलर को आगे बढ़ा देता है, और स्टॉक भी मेंटेन करना है, और सबसे ज़्यादा प्रेशर है कि अपना नुकसान भी ना हो और दूसरे को किसी को गलत चीज़ भी ना चले जाए। और सबसे बड़ी बढ़िया चीज़ यह है कि जितना भी हमारा रिटेल केमिस्ट है आप कभी देखना कि वो क्या करता है, व्यवसाय तो कर ही रहा है, जनसेवा भी साथ में करता है। कोई पेशेंट कभी कभी ऐसा ऐसा आ जाता है कि बेचारे के पास दवाई के पैसे वो जाने के पैसे भी नहीं होते, तो हमारे मैंने खुद देखा है कई उसमें, तो रिटेलर बेचारा उसको मेडिसिन तो देता है, खाने पीने की चीज़ भी भाई खाना भी खा ले जाता है, और कहाँ जाना है उन्हें बोले किराया भी दे देता है। तो ये सब मेरे ख्याल से जितने भी लोग व्यवसाय जितने भी हिंदुस्तान में अलग अलग तरह के व्यवसाय हैं, ये थोड़ा सा व्यवसाय उसमें थोड़ा सा ट्रेंड को अलग टाइप का है। मैंने पूछने का रीज़न यही था क्योंकि हर चैलेंजेस ना हर चीज़ में होते हैं और लोगों के सामने नहीं आते, लोग सोचते हैं बढ़िया है जॉब अपना कमा रहे हैं, लेकिन वो उसके पीछे की जो कठिनाई है जो चैलेंजेस हैं वही सामने लाना हमारा कार्यक्रम का मकसद है कि पर्टिकुलर चीज़ को बुलाना। एक चीज़ ऐड और करना चाहूँगा मैं, इसमें सरकार की थोड़ी उदासीनता है कि जैसे अभी कोरोना काल में केमिस्ट की दुकान में काम करने वाले वर्कर्स ने अपनी जान जोखिम में लगा, एक टांग में पूरा इसमें काम किया, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब उनसे कहा गया कि इनको भी उसमें डाला जाए इंपोर्टेंट पार्ट में रखा जाए, तो कोरोना वॉरियर्स कोरोना वॉरियर्स बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट का तब कहना है कि नहीं आपने तो व्यवसाय करा, तो गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए ना कि व्यवसाय किसके लिए करा, तो उनका वो तो हमारा व्यवसाय है, लेकिन व्यवसाय किया आपने तो इसमें इनकम अर्जित करी है तो आप उस कैटेगरी में नहीं आते, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो गवर्नमेंट की उदासीनता है वो एक ही चश्मे से साइड को व्यवसाय की तरफ को देख रही है, वो दूसरा हिस्सा नहीं देख पा रही हमारी जो जी जान इसमें लगी पड़ी है, तो ये भी थोड़ा सा कभी अभी जो है केमिस्ट को थोड़ा सा हट करता है। हमारा जो ये मेडिकल व्यवसाय है वो एक तो जनित का कार्य है और दूसरा हम अपने पैसे कमाने के लिए करते हैं, दोनों बातें बिल्कुल, ये नहीं कि खाली अपने घर को चलाने के लिए कर रहे हैं, हमारा व्यवसाय जनित में भी आता है, हमें बिना ड्रग लाइसेंस के ये काम नहीं कर सकते, दवा का हमारे पास ड्रग लाइसेंस होगा तभी हम इसका व्यापार करते हैं, और जो व्यापार हैं आप कभी भी कहीं पे भी खोल सकते हैं। दोबारा मुख्यमंत्री चेंज हुआ कि कम से कम एक पूर्णकालीन हमको स्वास्थ्य मंत्री मिलना चाहिए था, जिससे क्या होता है हम केमिस्ट भाई भी अपनी समस्याएं उनके सामने रख सके। अभी हम लोग पिथौरागढ़ भी एक मीटिंग में गए थे, वहाँ चर्चा ऐसी हो रही थी कि भाई जो केमिस्ट भाई हैं जो सीनियर हो गए हैं उनको या जो उनका स्टाफ है
क्योंकि हम लोग भी क्या कहते हैं उनसे, भैया कर लो, तो उन्होंने कहा उनको कम से कम ये टीका लगवाने के लिए तो गवर्नमेंट को ये होना चाहिए था, जब हमको कभी हम हड़ताल कर देते हैं, दुकानें बंद करते हैं किसी का रीजन से कि अगर उत्पीड़न हो रहा होता है तो गवर्नमेंट कहती है आप आवश्यक सेवा में आते हो, आप अपनी दुकान बंद नहीं कर सकते। अब जब हम आवश्यक सेवा में आते हैं तो हमारे लिए भी एक ये सुविधा होनी चाहिए थी, भाई आपने इतना चरम कोरोना काल में भी काम किया, मैं कहता हूँ प्रॉफिट कमाने की, क्योंकि घर गृहस्थी हमने भी चलानी है तो प्रॉफिट कमाना है, लेकिन उसके साथ साथ व्यवसाय किया, और व्यवसाय वाले क्यों नहीं निकल के आए, उन्हें अपनी पहले जान की सेफ्टी थी, लेकिन हमारे ऊपर केमिस्ट लोगों के ऊपर बहुत सारे लोगों की जान की जिम्मेदारी थी, और अगर हम लोग नहीं निकलते तो बिना दवाइयों के बहुत सारे मरीज जो हैं, अब ईश्वर ना करे उनके साथ कोई घटना दुर्घटना होती तो उसकी आदमी यार देखो ये केमिस्ट लोगों ने दुकानें नहीं खोली है ना, तो बुराई के पाते तो केमिस्ट बन जाते हैं, लेकिन हमें भलाई भी हमको मिलनी चाहिए, तो हम ये सोच रहे थे पूर्णकालिक स्वास्थ्य मंत्री मिलेगा जिससे हम लोग अपनी समस्याएं कह सकें, क्योंकि मुख्यमंत्री पे ऑलरेडी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और वो बिजी रहते हैं, लेकिन अभी नए नए मुख्यमंत्री आए हैं तो अभी उनका हमें देखना है आगे कैसा कार्यकाल रहता है। एक सवाल मेरे जहन पे अभी भी आया कि सरकार की जब बात हुई, प्रशासन की जब बात हुई, तो GST से अभी सभी लोग परेशान नज़र आए हैं, लाइक पेट्रोलियम की बात करें, गैस की बात करें, या अभी हमारे पास जो ट्रांसपोर्टर्स आए थे उनकी बात करें, तो क्या आपके बिजनेस पे भी इसका कोई प्रभाव पड़ा है? कोई भी कंपनियां जो माल भेजती हैं, क्योंकि इनकी फैक्ट्रियां तो अधिकांश भारी होती हैं, और जब पेट्रोल महंगा होगा तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो भाई हमारा मार्जिन तो फिक्स है, लेकिन उसका जो असर पड़ता है सीधे ग्राहक पर पड़ता है। कस्टमर हमसे सवाल करता है कि यार पिछले महीने तो हमने ये 155 की खरीदी थी, 175 की हो गई। कस्टमर हमसे सवाल करता है सीधा सा कि 20 रुपये बढ़ गए, तो उसमें हमें उसे सेटिस्फाई करना सबसे टफ हो जाता है। नहीं आप तो महंगी दे रहे हो, आप तो हमें लूट रहे हो। सबसे बड़ी केमिस्टों में आज हम लोगों में जनता में क्या भ्रम है कि दवाइयों में ना बहुत मार्जिन होता है, दवाइयों में बहुत मार्जिन होता है। मैं बताना चाहूँगा दवाइयों में सीमित मार्जिन होता है, जो कि आज हमारा व्यापार वैसे भी चौपट हो चुका है जब से ऑनलाइन, भाई कंपनियां क्या हैं ऑनलाइन उससे काफ़ी सप्लाई कर रही हैं, है ना, वो 15-15% डिस्काउंट में, 12-12% डिस्काउंट में कंपनियां दवाई सप्लाई कर रही हैं। उसे क्वालिटी से मतलब नहीं है, वो दवाई कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, कोई बिल से मतलब नहीं है, उसे 15% ऑफ में मिल जा रही है, सबसे बड़ी बात। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि प्रचलन आजकल मॉल्स का ज़्यादा हो रहा है, और आदमी ये चाहता है, ग्राहक ये चाहता है कि जब आप एक मॉल में घुसें तो मुझे सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे मिल जाएं। तो हमारी भी ये कोशिश रहती है, और बहुत से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, तो वो रिटेलर्स हमेशा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि हम अपने ग्राहक को मुहैया करा सकें उसको, तो इसलिए समय की मांग भी है वो, और ज़रूरी भी है। एक्सपायरी ब्रिकेज की जब बात हुई थी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो हम लोगों का लॉस है, और बहुत मोटा लॉस। जेनरिक ड्रग्स में क्या होता है कि एक्सपायरी नहीं होती है, वापसी नहीं होती। अगर हमारे पास जो ड्रग्स आ गई नहीं बिकी तो वो टोटल हमारा प्रिंसिपल अमाउंट का लॉस है, प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए आप। अगर किसी डॉक्टर को किसी कंपनी वाले ने कोई प्रोडक्ट समझाया, उस डॉक्टर के समझ में आया और उसको उससे रिजल्ट मिला, तो एक दिन में हो सकता है उसकी 100 बोतलें बिक जाए, और अगर उसको उसमें से फेथ हटा उसका बाई चांस, या उसकी जो नहीं उसकी बात समझ में नहीं आई, या डॉक्टर को नहीं लगा पेशेंट में समझ में नहीं आ रहा है, या प्रोडक्ट मिल गया या अच्छा ब्रांड मिल गया, तो समझ लीजिए कि उस बोतल जो 100 बोतल आज बिकी है, अगले दिन हो सकता है कि पूरे महीने में एक बोतल ना बिके। हमारे यहाँ कोई दो नंबर का काम नहीं होता, प्रॉपर बिल कटते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। जब हम लोगों को क्रेडिट्स देते हैं तो उसके अगेंस्ट में लोग हमें चेक देते हैं, ठीक है। अब हमने चेक दिया, हमने लगाया, उसका बाउंस हो गया, तो अभी जो लोग दो नंबर का काम करते हैं, जो इनवॉइसेस वगैरह नहीं क्रेडिट करते हैं, उनका तो ठीक है, उन्होंने कैश में डीलिंग करी, उन्होंने माल दिया और कैश में ले लिया अपना। लेकिन जब हम लोग कोई हमारा चेक बाउंस कराता है और अगर हम उसके ऊपर चेक बाउंसिंग का केस करते हैं, तो मैं एक सरकार से ये मेरी निवेदन है कि जो चेक बाउंसिंग का जो हम लोग केस करते हैं उसमें बहुत समय लग जाता है। हम पहली बार जाते हैं उसे नोटिस भेजते हैं, 15-20 दिन का, 40 दिन का नोटिस भेजते हैं, फिर कोर्ट से 60 दिन के बाद नोटिस जाता है, बहुत सारी प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको भी थोड़ा सा तेज़ कराया जाए उस प्रक्रिया को। सर ये तो व्यवसाय की बात, दूसरी थोड़ा सा मैं उसमें आना चाहूँगा कि कोरोना काल से कुछ चीज़ें होती थी मार्केट में, लेकिन हम लोग उसको पता नहीं था, जैसे कुछ चीज़ें जैसे मास्क, ब्लैक कलर का मास्क। अब जो है मास्क एक कॉमन ऐसी चीज़ हो गई कि घर से निकलते टाइम जैसे हम वॉलेट रखते हैं तो मास्क रखना
उससे पहले ज़रूरी हो गई और लोगों का आदत भी बढ़ गई है। और सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र तो एक ऐसी चीज़ हो गई जैसे आदमी पानी की बोतल ना रखे, सैनिटाइज़र अपने पास रखता है। और तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो मास्क है या सैनिटाइज़र है, पहले तो एक सैनिटाइज़र का एक भ्रम ही फैला कि यार ज़्यादा सैनिटाइज़र आप यूज़ करोगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें 60% अल्कोहल है। ये भी एक अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ ऑटोमेटिकली निकल आती है ना, जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें जहर निकला था, तो वही चीज़ हो गई। और मास्क से ये हो गया कि वन टाइम यूज़ जो मास्क हैं वो लोग यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं, जगह जगह फेंक देते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है बहुत सी चीज़ें। सर्जिकल मास्क है, वन टाइम यूज़ मास्क ही होते हैं, वो 10-10 रुपये के मार्केट में मिल जा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए अवेयरनेस कैसे फैलेगी? देखिए जी, सैनिटाइज़र और मास्क हैं, वैसे भी हमारी मतलब जो है सरकार का भी सबका ये कहना है कि भाई 2 गज़ की दूरी और मास्क ज़रूरी है, दो चीज़ें ये बहुत ज़रूरी हैं। और अब इसमें जैसे आपका आ गया कि जो मास्क है वो लोग जगह जगह फेंक देते हैं तो उससे बड़ा नुकसान है, तो कोशिश करके इसमें जागरूक होना चाहिए। क्योंकि एक तो सर्जिकल मास्क जो है वो वैसे वन यूज़ ही होता है, लेकिन लोग बात करते क्या हैं कि उसको जो है 2-4-5 दिन हफ्ता भर तक मतलब जो है लगाते रहते हैं, और कई दफ़ा तो उसको जो है वो मतलब जो है वाश करके फिर इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई जो है, जबकि इतना सस्ता है, मुश्किल से मेरे ख्याल हर जगह 2 रुपये में मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। तो कोशिश करें, इसमें जागरूकता तो हमें खुद ही होनी चाहिए कि भाई ये वन यूज़ वाला है तो इसको जो है डस्टबिन में किसी जगह सही डाल दिया जाए, ऐसा नुकसान नहीं है कि उससे कि वो कहीं मतलब जाए कोई वायु प्रदूषण फैलाता, ऐसा कुछ नहीं है। या वॉशेबल मास्क लें, अब तो कॉटन वाले इतने अच्छे अच्छे मास्क आ गए हैं और ज़्यादा कोई महंगे भी नहीं हैं और बढ़िया वाले हैं, आप उनको मतलब जो है वॉश करें और उसको लगा सकते हैं। और इसको मतलब जो है इस्तेमाल करने के बाद घर पर जैसे आपके पास डस्टबिन है उसमें आप डाल दीजिए, और इसको कहीं भी मतलब इधर उधर ना डालें, और जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं ऐसे नहीं, और सब ये जागरूक पूरा करते हैं साहब। इस मामले में हम लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मैंडेटरी है हम लोगों के लिए, कि जब भी कोई हमारी दुकानों में आए तो हमारा काम होता है उसको काउंसलिंग करने का। बिना काउंसलिंग के हम ड्रग्स नहीं बेचते। आप भी देखते होंगे ना कि अगर आप भी गए तो आपको बताता होगा कि ये गोली मॉर्निंग खानी है, एक शाम को खानी है, खाना खाने के बाद खानी है, उससे पहले खानी है, पेन के टाइम पर नहीं है। तो ये हमारे जॉब का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम बिना काउंसलिंग किए ड्रग्स या कोई भी चीज़ अपनी दुकानों से आगे नहीं बेचते। तो ये मतलब हमारी ओर से जो प्रयास, जो आपने अभी अवेयरनेस की बात की, तो ये ऑलरेडी कोरोना काल से हमारे प्रयास है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जब लॉकडाउन था ट्रांसपोर्टेशन सारे बंद थे, सैनिटाइजर और मास्क नहीं आ पा रहे थे, तो उस टाइम हम लोगों ने स्पेशल क्वेस्ट की, हमारे जितने पदाधिकारी यहाँ पर को बैठे हुए हैं, इन लोगों के सहयोग से शासन प्रशासन से बात करके, स्पेशली हमारे कई ऐसे शॉपकीपर्स हैं जो अपने जान पे खेल करके अपनी गाड़ियाँ लेके पास लेकर के खुद गए हैं, माल अपने हाथों से उठाया है, C&F से ढोया है और यहाँ तक लेके आए, और बीच में कितनी जगह उस, और वो टाइम ये था कि खाना भी नहीं मिलता था, पानी पीने के लिए बोतल नहीं मिलती थी हमारे लोगों को, लेकिन फिर भी लोगों ने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। और आप एक चीज़ देखें ना, हम ऐसे एंड पे बैठे हुए थे जहाँ पर को वायरस का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हम लोगों को होने का डर था, क्योंकि जो भी पेशेंट आएगा क्या पता उसको क्या है, और वो सीधे हम पे आएगा, हमारी दुकानों पे आएगा और वायरस वहाँ छोड़ के जाएगा। उसके बाद भी हमारे लोगों ने जितना भी टाइम होता था, पूरे टाइम पूरे स्टाफ ने हमारे पूरा काम किया, बल्कि आज के टाइम से ज़्यादा काम उस टाइम होता था, क्योंकि टाइम शॉर्ट था और लोगों की भीड़ बहुत होती थी। तो जितने इधर पे को मेंबर बैठे हुए हैं हमारे, इन लोगों ने और इनकी फैमिलीज़ ने, हमारी फैमिलीज़ ने अपनी जान पे खेल करके ये काम किया है, और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ होना चाहिए। सब लोगों ने मिलके और अपने पास से, अपनी एसोसिएशन से इकट्ठा करके, जैसे सैनिटाइज़र, मास्क, उसके अलावा मतलब जो है खाने पीने का राशन, वो हम लोग लेके और गाड़ियों में निकल जाते थे और जगह जगह जहाँ जहाँ हम देखते थे ज़रूरतमंद हैं वहाँ उन लोगों को पहुँचाते थे। और उसके अलावा भी इतनी जागरूक हम लोगों ने किया कि अपने यहाँ बाहर मतलब जैसे ही जो है रखा हुआ दुकान के बाहर हम लोगों ने जब सैनिटाइज़र वहाँ रखा है, उसके अलावा बल्कि हमने IR थर्मामीटर आता है जो कि मतलब जो है टचिंग वाला, उससे पता चल जाता है कि भाई जो है इसको है पूरी मतलब इस तरीके से सब लोगों को जागरूक और सारी अवेयरनेस मतलब हम लोगों ने की। आज की तारीख में इस मास्क को लगाने की वजह से आधी बीमारी बिल्कुल गायब है। क्यों? धूल मिट्टी से बच रहा है, सबसे खतरनाक चीज़ होती है। और मुझे कभी अभी परसों ही 4-5 लोगों से ऐसी वार्तालाप हुई, बोले मैं तो मास्क नहीं उतारूंगा। मैंने कहा क्यों? कह रहे कोरोना की बात अलग है,
मैंने तो ये कसम खाली मास्क लगाऊंगा, क्योंकि मैंने इस बीच में कोई बीमारी या खांसी या जो भी इससे होते हैं एंटी एलर्जी नहीं हुई है। मास्क और सैनिटाइजर कोरोना काल से अभी भी आज की डेट में भी कंडीशन ये है, मेडिकल स्टोर में तो बिकता है, उनका ऑथराइजेशन कह लो जो भी कह लो, उनको फुल विल माल है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो मास्क और सैनिटाइजर है ये आम सड़क मेन सड़क में रख के बिक रहा है, है? आप सर्विसेज की दुकान में देखिए लटके हुए मास्क, मास्क वैरायटी मिल जाएंगे, धूल धक्कर से पूरी भरी हुई ठेलों में बिक रहा है। गवर्नमेंट वहाँ पर तो काम नहीं करती है, गवर्नमेंट वहाँ पर तो काम नहीं करती, लेकिन कोरोना काल में सबसे ज़्यादा परेशान भी गवर्नमेंट ने जो है हम ही मेडिसिन वालों को ऊपर किया, तो ये भी थोड़ी सी उदासीनता, थोड़ी सी प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जहाँ पर वर्क करना चाहिए, जहाँ पर हम हर चीज़ में कागजों में काम कर रहे हैं, चाहे GST से हो, चाहे बिलिंग DL से हो, चाहे लाइसेंसिंग में हो, किसी तरीके से, तो शिकंजा सिर्फ हमारे ऊपर नंबर एक वाले के ऊपर ही कसा जा रहा है, और जो ठेले वेले और जो आम सड़क पर बिक रहा है तो उनके ऊपर कहाँ, हाँ तो वो वहाँ पर काम नहीं हो रहा सर, और नोटिस भी हमारे पास ही है, दुकान भी हमारी बढ़ाई जाएगी, जरूरत भी हम पूरी करेंगे सर, ये जो हम पूरी करेंगे सर। ये सर ने जो अभी प्रश्न उठाया था कि जो आपने एक बात बोली कि बिना लाइसेंस के बेच जा रहे हैं, सीधी भाषा में झोले झोला छाप जो लोग हैं, लाइक हमारे सोसाइटी में भी बहुत सारे मेडिकल्स ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, या कई लोग तो ऐसे भी देखे हैं हमने कि वो दवाइयाँ जो है पीस के दो चार दवाइयाँ मिला के पुड़िया बना के उस तरह भी दे देते हैं, तो इन लोगों के लिए भी कोई चीज़, जब जैसा आप देखते हैं, आप सामने से देखते हैं कि आपके अगल बगल ही, अगर आप बोल नहीं सकते लेकिन अगल बगल आपने भी देखा होगा कि ये चीज़ें, मैं समय पर इसके लिए भी जांच होती रहती है, और हमारे मतलब जो ड्रग डिपार्टमेंट है वो जो है जगह जगह जाके और उसमें छापे भी मारता है, सब उसकी जाँच भी होती है, लेकिन फिर वही मतलब जो है अपने यहाँ तो आप सब लोगों को पता ही है, अब इसमें क्या कहना है। मैं एक झोला छाप के पास गया, ठीक, उसने मेरे को जो भी ड्रग दी या जो भी दिया मैंने खाया, ठीक नहीं हुआ, फिर मैं डॉक्टर के पास गया, अब डॉक्टर को तो पता नहीं है ना कि उसने मेरे को क्या खिलाया, क्योंकि उसका कोई प्रिस्क्रिप्शन है नहीं, कुछ नहीं है। अब डॉक्टर ने अगर मेरे को कोई सी भी ड्रग मेरे जो भी टर्म्स हैं उनको देखते हुए दी, अब मैं उस वो वाली ड्रग से तो ठीक ही नहीं हो पा रहा हूँ, अब डॉक्टर को क्या पता है कि उसने मेरे को ये स्टेरॉइड दिया है क्या दिया, तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें हमारे ऊपर भी ब्लेम्स आ जाते हैं कई बार मार्केट में, कि मैंने इनके वहाँ से ये क्रोसिन ली और उसका तो इफेक्ट ही नहीं हुआ, अब उस बंदे को ये पता ही नहीं, उन्हें क्रॉसिंग से पहले जो उल्टा सीधा दो तीन महीने खा चुका है उससे उसकी बॉडी पैरास्टामोल के लिए या जो भी ड्रग थी उसके लिए उसकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं बची, तो उसका इफेक्ट कहाँ से होगा, तो वो फिर जो आप बोलते थे ना स्पूरियस ड्रग्स या ये लो क्वालिटी ड्रग, फिर वो बोलते हैं कि इसकी दुकान में तो ड्रग अच्छी नहीं मिलती, या इसने जो मेरे को फला फला ड्रग दी उसका इफेक्ट ही नहीं आया। हमारे यहाँ इंडिया में मौत प्रचार बहुत चलता है, मैंने फलाने से यार दवाई ली थी, वो हकीम जी ने दी या बैज जी ने दी और चार पुड़िया में मैं सही हो गया। अब क्या होता है उस पुड़िया में क्या होता है, उन्होंने अंग्रेजी दवाइयों की गोली घिसी और वो उसमें पुड़िया में मिलाई और चूर्ण मिला के आपको दे दिया, जैसे पुरानी कहावत त्रिफले की तीन चुड़िया, अब वो दे दिया आपको, आपने खाया, किसी को आराम हो गया, जिसको आराम हो गया वो कहता है यार बहुत बढ़िया दवाई थी, आराम मिल गया, वो 20 लोगों को बताता है, माना चार लोगों को आराम नहीं हुआ, वो कहते हैं यार मेरी किस्मत ही ख़राब होगी इसलिए आराम नहीं हुआ, वो डॉक्टर के पास चला जाता है, लेकिन उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट ये हो जाते हैं जो उन्होंने दवाई खाई, उसमें स्टेरॉयड होता है, स्टेरॉयड अगर आप दवाई लेंगे तो उसका शरीर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि कई बार सुना है, लेकिन ये सवाल मैं स्पेशली आपसे पूछूंगा क्योंकि आप बहुत खामोश बैठे हुए हैं जब से आए हुए हैं, और जो खामोश बैठते हैं वो अक्सर इतिहास रचते हैं, ये भी बिल्कुल है सर, ये आपके लिए सवाल है कि जैसे हम देखते हैं, जैसे एक तरफ आती है अंग्रेजी दवाइयाँ, एक तरफ आता है आयुर्वेद जी। आयुर्वेद की, आयुर्वेद और ये अंग्रेजी दवाइयों की दोस्ती है या दुश्मनी है? दुश्मनी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि डिपार्टमेंट एक ही है, दवा से दोनों रिलेटेड हैं और अलग अलग पैथीज हैं, कई चीज़ों की व्यवस्था एलोपैथिक में है और कई उपचार जो है वो आयुर्वेदिक माध्यम से भी किए जाते हैं। थोड़ा सा एक अभी पीछे एक टॉपिक छोड़ करके गया कि ये झोला छाप और ये इस तरह के जो पनपते हैं हमारे समाज के बीच में ऐसा क्यों है, तो कहीं मैं मतलब व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है कि कहीं सरकार जो है वो पूरी व्यवस्थाएं नहीं दे पाती है, जहां दुर्गम क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर चिकित्सा की पूरी सुविधाएँ नहीं है, तो वहाँ मरीज़ के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि उन स्थानों पर पहुँचना जहाँ पर उसे पूरी सुविधाएँ मिलेंगी,
तो ऐसे स्थानों पर ये इस तरह के जो है क्वैक्स, या मैं कहूँगा कि जो है कम जानकारी रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इलाज कर जाते हैं, तो उससे हम लोगों को नुकसान भी होता है उसमें। और दूसरा जो ये कहा गया कि बाहर से डॉक्टर्स लिखते हैं मेडिसन्स को, तो सच्चाई तो पटल पे अगर हम लोग आए तो आज भी हमारे जो सरकारी जो अस्पताल हैं वहाँ पूरी सुविधाएं आज भी नहीं हैं। नहीं तो डॉक्टर्स ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो पेशेंट्स को बाहर से लिखें, क्योंकि हमारा व्यवसाय, जैसे अभी सर ने कहा कि एक जनहित का व्यवसाय भी है, पैसा कमाना ही अगर हम लोगों को होता तो हम दूसरा व्यवसाय भी कर सकते थे। सबके अंदर उतनी जागरूकता, पढ़े लिखे लोग ही इस व्यवसाय को करते हैं दवाई के, तो हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जनहित की एक भावना हमारे अंदर थी और हम उस भावना को सामने लेकर के अपने जीवन में आते हैं, तो हम इस व्यवसाय को स्वेच्छा से चुनते हैं। तो जहाँ व्यवस्थाएं सरकार की नहीं होती हैं वहाँ डॉक्टर्स या जो केमिस्ट है वो मजबूर होते हैं इस तरह के स्टेप्स लेने के लिए, और सरकार को ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। ना दोस्ती है ना दुश्मनी, लेकिन मैं बताता हूँ उसमें रीजन क्या है। जैसे आपने ली 52 टैबलेट सुनी होगी, आयुर्वेदिक में आती है, लीवर का इलाज आयुर्वेद में है, एलोपैथिक में नहीं है। आपको बता रहा हूँ मैं, जैसे हेपेटाइट बी होता है, क्योंकि मेरा बेटा ऑलरेडी क्या है एम से डॉक्टरी भी कर रहा है, तो कभी कभी चर्चा हो जाती है, चाय पे ही चर्चा हो जाती है कि भाई क्या कारण है। तो उसने कहा देखो हम किसी भी चीज़ को जो एथिकल वाले हैं, इंग्लिश वाली दवाई है, हम लोग पहले रिसर्च करते हैं उसके बाद हम मान्यता देते हैं। हम ये नहीं कह सकते ये आपने आयुर्वेदिक दवा ली ये आपको सूट करेगी, लेकिन क्या है ऑलरेडी क्या है उनके पास जो चीज़ है ही नहीं उसका इलाज क्या है आयुर्वेदिक में पहले से, बहुत पहले से है, सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान संकलित किया, लेकिन वो क्या कहा क्रमबद्ध कहीं नहीं किया। जैसे ऋग्वेद है उसमें ये चीज़ थी, लेकिन वो क्या था एक दूसरे से जवानी जाता रहा और जो ज्ञान था वो लोगों को मिलता रहा, उसके फायदे भी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल के जो साइंटिस्ट है वो नहीं मानते जब तक उसका प्रमाण नहीं हो। हमारा जो उत्तराखंड है वो दो क्षेत्रों से मिलकर बना है, एक प्लेन्स है एक पहाड़ है, तो सबसे ज़्यादा ये झूला छाप वाला जो मैटर है वो पहाड़ों पे आता है। कोई औरत आती है तो क्या होता है कि डॉक्टर्स वहाँ मौजूद नहीं है, सरकारी का हाल सबको पता है, तो औरत आई उनका पेट पीड़ है गए खुट पीड़ है गए, तो क्या हो तो वो खुट पीड़ और पेट पीड़ कारण जो कि हो कि मेडिकल में जा वो दवाई हाथ में थमा दी नहीं, तो वो दवाई एक बड़ा कारण बन जाती है, पहाड़ों के लिए समस्या बन जाती है। और पहाड़ों की हालत से तो सभी परिचित हैं और वहाँ की मेडिसिन जो है उससे भी सभी परिचित हैं। और मेडिकल लाइन का जो जैसे किसी इलाके में पर्टिकुलर इलाके में एक या दो मेडिकल शॉप होते हैं, ये हम भी उसको देख चुके हैं कि डॉक्टर से ज़्यादा उस पर भरोसा हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों का जो है कि यार मेरे पेट में दर्द होने का वहाँ से लिया ना, वो ज़्यादा, क्योंकि मैं इस चीज़ को मतलब खुद कर चुका हूँ, क्योंकि हमारे मैं बेसिकली अल्मोड़ा से हूँ, वहाँ पर एक दुकान थी हमारे मोहल्ले में, तो मतलब काफ़ी बड़ी चीज़ों के लिए भी हम पहले उनके पास जाते थे कि वर्मा अंकल ये हो गया। विश्वास जो है ना डॉक्टर के थ्रू मेडिकल जो बिजनेसमैन है उनके ऊपर ज़्यादा चले जाता है, और ये मेडिकल वाले मैंने जहाँ तक देखा तोड़ते नहीं है और वो दवाइयाँ ज़्यादा सूट करती है उनके, तो इसके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। सर इसका मुख्य कारण ये रहता है, हम लोगों को पता होती है कि कौन सी कंपनी की कौन सी मतलब कौन सा ब्रांड ज़्यादा असर कर रहा है। दूसरा क्या है, जो डॉक्टर से पर्चे भेजते हैं उस हिसाब से मेडिकल वाले को अनुभव हो जाता है कि हाँ इस चीज़ में। आप जो बोल रहे थे आयुर्वेदिक वर्सेज एलोपैथिक, उसमें मेन जो रीज़न है, अगर आप जाओ पहले हमारे इतिहास में जाओ 100 साल 200 साल पहले अगर आप जाते हो तो हमारे एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं थी, हम लोग सब आयुर्वेद से ही इलाज करते थे। एलोपैथिक दवाइयाँ आपको तब चाहिए जब आपको एक क्विकली इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तो उसके लिए एलोपैथ ज़रूरी है। लेकिन जो आयुर्वेदिक है वो हमारे जो वातावरण है, जैसे हमारे देश में विभिन्न प्रकार की ऋतुएँ आती हैं, जो एलोपैथ है वो आपका यूरोप कल्चर की दवाइयाँ हैं। आपने सुना होगा कई बार कि लोग बोलते हैं यार ये तो मैंने दवाई खाई ये तो बड़ी गर्म थी, यूरोप में हमेशा ठंड रहती है इसलिए वहाँ पर गर्म दवाइयाँ जो एलोपैथ है वो गर्म दवाइयाँ दी जाती हैं, और हमारा जो देश है वो आयुर्वेद के हिसाब से हमारा शरीर है जो हमारे ऋतुएँ आती हैं, हाँ तो इसलिए हमारे लिए जो है वो आयुर्वेद ही बेस्ट है। तो कई बार जैसे कि हमारे भाई ने बताया, तो मैं उस पर ये कहना चाहूँगा कई बार ऐसा होता है कि पुअर पेशेंट आते हैं या अमीर पेशेंट्स भी होते हैं, मगर जब डॉक्टर दवाई लिखते हैं तो उसमें कोई अनुमान नहीं होता उसे कि कितना आज बजट बन जाएगा, 500 रुपये की दवा आएगी या 1000 की आ जाएगी। तो हम लोग सर उसमें नॉलेज के अनुसार मैं ये कह रहा था कि कई बार इस तरह से भी करते हैं कि हमें पता होता है कि फलानी कंपनी की मेडिसिन सेम मॉलिक्यूल की इतने रेट्स में है और ये बड़ी कंपनी जो है इसके रेट्स इतने हैं, तो हम उसमें कई बार ऐसा भी करते हैं कि भाई जेब में पैसे नहीं है तो कोई परेशान मत हो आप,
नहीं है तो कम कर देते हैं, या नहीं है तो हम आपको अपनी तरफ से, कई बार हम लोग अपनी तरफ से किराया देके भी भेजते हैं लोगों को, और वो कंपनीज का हमें पता है कि सेम चीज़ है, मॉलिक्यूल सेम है, तो हम रेट वाइज देख लेते हैं कि यार इसकी जेब में कम है तो चलो हम इसको यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। और कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि जैसे हम लोग कई लोग, अब जैसे मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं डॉक्टर के पास बैठता हूँ, तो कई बार ऐसे पूरे पेशेंट्स आ जाते हैं, एक बार की बात बताता हूँ मैं आपको कि नीचे आए तो वो मोहम्मदन थे कोई, तो कहने लगे कि भाई साहब जरा जोड़ के बताइए कितने की दवा बैठेगी। तो मैंने जब पैसे जोड़े तो वो चुप हो गए, तो मैंने कहा भाई क्या बात है बताइए आप मुझे। तो बोले कि जनाब मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरे 5-6 बच्चे हैं घर में और मेरी जेब में इतनी पैसे नहीं है कि मैं दवा ले सकूँ। तो मेरे को बड़ा दिल में अजीब सा लगा, मैंने कहा यार ऐसा है, ये परेशान है। तो मैं डॉक्टर के पास गया, सेम मैंने कहा सर इसके जो जो आपके पास सैंपल्स हैं प्लीज़ इसको निकाल दीजिए। बोले क्या हुआ संजय? तो मैंने कहा सर कुछ नहीं, आप दीजिए तो सही। मैं लाया और मैंने उस पेशेंट को दिया, तो मैं आपको यकीन मानिए उस आदमी ने कम से कम 5-7 मिनट बैठ के नमाज पढ़ी मेरे मेडिकल स्टोर पे, समझ गए, और दुआ करी उसने। तो मैं इस प्रोफेशन में मैं ऊपर वाले का बहुत अपने ऊपर हम सभी भाइयों को पर ये आशीर्वाद मानता हूँ कि हमें उसने इस काम के लिए नियुक्त करके भेजा। तो ये कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है। हाँ तो मैं इस काम की मैं तहे दिल से ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ कि हमको इस लायक बनाया और हमें इन कामों के लिए चुना, लोगों को स्वस्थ करने के लिए, लोगों को स्वस्थ देखने के लिए उसने एक जरिया एक माध्यम हमें बना दिया, इसलिए मैं उसका शुक्रगुजार करूँ। बहुत बड़ी बात कही सर ने कि काम से बड़ी पूजा कोई नहीं है, और आप लोग उसको इतनी शिद्दत से कर रहे हैं कि वो काम में ही आपने अपना एक आस्था का जरिया ढूंढ लिया है, तो इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। अगर हम अपनी रूट्स में जाएं, संस्कृति में जाएं, तो एक महर्षि होते थे सुश्रुत, जिन्होंने ऑपरेशन के लिए जिन्होंने खोज की थी मैं कहूँगा, और उस टाइम के जो औजार उन्होंने बनाए थे आज भी ऑपरेशन टेबल पर वही काम आते हैं। अगर आप वो देखेंगे फोटोज उनकी, और जो आज के इनके बाद जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे वही हैं जो उन्होंने उनके द्वारा बनाए गए, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों का एक लॉस है कि हम लोगों ने उसको प्रिजर्व नहीं किया। और सर बात अब मैं आऊँगा बात की बात पे कि जो अभी आपने कहा कि केमिस्ट पे फेथ होता है, आपने भी ली तो आपको पता लगा कि उसे उसका बेसिक कॉज एक ये भी है कि हमारी दुकानों पर फार्मासिस्ट होते हैं या दुकानदार खुद में फार्मासिस्ट होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फार्मासिस्ट ने फार्माकोलॉजी पूरी उसको आती है, उसने स्टडी की है, 2 साल उसने अपना काम या 4 साल वहाँ लगाए हैं, फिर उसने हॉस्पिटल में अप्रेंटिस भी की होती है 3 महीने 4 महीने 6 महीने। तो उस सब का लाभ हम लोग अपने दुकान में होते हुए मतलब नेक्स्ट टू डॉक्टर आप फार्मासिस्ट को बोल सकते हैं, और वो होता है, बोल नहीं सकते मतलब वो है, क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो देखिए इंडिया में जो प्रैक्टिस होती है ना डॉक्टर ही हर चीज़ होता है, लेकिन मैं इधर पे को थोड़ा आपको क्लियर वे में बताऊं कि टेक्निकली क्या होता है। डॉक्टर का काम होता है पेशेंट आया उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसने लिख देना है कि पेशेंट ने जो भी प्रॉब्लम बताई, दवाओं लिखने का काम डॉक्टर का नहीं होता। अगर आप टेक्निकली देखेंगे डॉक्टर एंटाइटल नहीं है दवाएं लिखने के लिए, दवाएं लिखने के लिए एक ही आदमी एंटाइटल होता है फार्मासिस्ट, जो हमारी दुकानों में होता है या हम होते हैं। तो हमारा काम है कि डॉक्टर के उस प्रिस्क्रिप्शन पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे उस वो जो आदमी आया उसका बॉडी वेट हाइट और कई सारी चीज़ें देखते हुए उसकी एज देखते हुए उसको कितनी ड्रग दी जाए, कितनी MG की दी जाए, कितनी दिन की दी जाए, उसकी काउंसलिंग का काम ये हमारी दुकानों के फार्मासिस्ट का होता है। लेकिन ये हमारे कामों में अतिक्रमण किया गया है, मतलब साफ शब्दों में कहूँगा तो ये हमारे फार्मासिस्ट जो हैं उनके कामों पर अतिक्रमण किया गया डॉक्टरों के द्वारा, जो कि कहीं भी आप फॉरेन में जाएंगे विदेश में जाएंगे तो वहाँ प्रॉपर वे में काम होता है नियमों के तहत, तो वहाँ भी आप देखेंगे तो वहाँ फार्मासिस्ट ही दवाएं लिखता है। लेकिन अब भारत में तो फार्मासिस्ट की कोई वैल्यू नहीं समझी जाती, उसको तो लगता है कि खाली वो इंजेक्शन लगाने के लिए उसको वो वार्ड बॉय या समथिंग ट्रीट लेते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम लोगों का ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, हम लोगों को और हमारे दुकानों में जो फार्मासिस्ट हैं उनको उनकी रियल वैल्यू गवर्नमेंट को और लोगों को देनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। ये हम लोगों का जो दर्द है वो यही है कि हम लोगों को हमारी वैल्यूज नहीं मिल पाती।
आज चर्चा बहुत अच्छी हुई जे जे न्यूज़ के माध्यम से, इसमें सभी चीज़ आ गए कि हम वॉरियर्स, और किसी ने चाय पिलाई जैसे सानी जी ने, पूरे एक अच्छा मैसेज समाज को हम भी देना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा पेशेंट जल्दी जल्दी सही हो। ज़्यादा न बोलते हुए बस इतना बोलूँगा कि आप लोग की जगह जो है वो हमारे दिलों पे है, हर आदमी के दिल पे है जी। और अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे कुछ नए चेहरों से, जैसे कि चाय पे चर्चा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अगले हफ्ते हम मिलेंगे इसी समय पे, इसी वक्त पे, एक नए शो के साथ और कुछ नए लोग के साथ। तब तक आप देखते रहिए जे न्यूज़, और नए मुद्दे के समाज के उन मुद्दों को हम अपने चैनल से उठाना चाहेंगे जिनको उठाना बहुत ज़रूरी है और जिनको समाज के आगे लाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए जे न्यूज़ के साथ, और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चाय पे तो आओ ना।